Hello and welcome to Homeopathic Medicine Award. I'm VIRAJ. Today we explore a new homeopathic medicine. The medicine is Arnica Montana. The medicine is always indicated in injury and fever. With fever with its mental symptom. First we explore injury. तो आपने वीडियो के स्टार्टिंग इंट्रो में कुछ पिक्स देखे होंगे, उस पिक्स में आपने देखा होगा किस टाइप की इंजरी है। इंजरी यानी आप कहीं से पड़ जाते हैं, कहीं से आप फॉल हो जाते हैं स्टेप से, या फिर कहीं पे आपको पत्थर लग जाता है, या फिर कुछ वुडन का ऐसा कुछ आपको लग जाता है, लेकिन ब्लीडिंग नहीं होता, स्किन कट नहीं होती। स्किन के अंदर जो नर्व्स सॉरी ब्लड वेसल्स है वहाँ पे लोही जमा होता है, स्किन के नीचे लोही जमा होता है। इसकी वजह से स्किन का कलर ऊपर से ब्लैक या ब्लूइश कलर का हो जाता है। इस इंजरी में, इस तरह की इंजरी में आर्निका हम दे सकते हैं। आर्निका इसमें बहुत अच्छी तरह से काम करती है। अगर आप इसको मदर टिंचर देते हैं तो भी ये अच्छी काम करती है, और अगर आपको इसको पोटेंसी में 30 या 200 में देते हैं तो भी ये अच्छे से काम करती है, और फ्रिक्वेंट रिपीटेशन में एक से दो दिन में इस इंजरी को क्योर कर सकती है। तो इंजरी की हमने बात कर दी कि कब कब आर्निका हम इंजरी में दे सकते हैं और कैसी इंजरी में दे सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं आगे फीवर में। तो आर्निका का फीवर इवनिंग में आता है। आर्निका बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पेशेंट है। अगर आपने उसको बेड पर सुलाया और उस वो जिस पोजीशन में सोया है वहाँ से उसको जिस लेयर पे वो सोया है बेड के, वो उसको हार्ड लगेगा। एवरीथिंग जिस साइड वो पलटेगा उस साइड उसको वो सरफेस ही ऐसी हार्ड लगेगी, सेंसिटिव है बहुत ज़्यादा, इसलिए वो पलटता जाएगा ऐसी जगह ढूंढेगा जहाँ जो उसको सॉफ्ट लगे सोने के लिए। इसीलिए सिम्टम है फ्रिक्वेंट फाइंड प्लेस विच इज सॉफ्ट। और फीवर में डेलीरियम भी है। आर्निका का फीवर आ रहा है तो वो अनकॉन्शियस भी हो सकता है, सबकॉन्शियस भी हो सकता है, और इसके आप फॉल हो गया, कंट्यूजन हो गया। अगर ये ब्रेन में हुआ है, ब्रेन इंजरी हेमरेज ब्रेन में हुआ है अंदर इंटरनली, तो अनकॉन्शियस हो ही जाएगा, और उसी अनकॉन्शियसनेस में डेलीरियम कंडीशन आती है। यानी कि अनकॉन्शियस स्टेट में से जब वो कॉन्शियस स्टेट में आएगा तब उसका डेलीरियम आएगा, लो मटरिंग डेलीरियम। यानी कि आप अगर एग्जांपल दो तो एक कोई भी विक्टिम है उसको अगर लगा है ब्रेन इंजरी हुई, वो अनकॉन्शियस हो गया, हॉस्पिटल में ले गए और पुलिस कैसे उसको ये इंजरी हुई, कैसे उसका एक्सीडेंट हुआ वो पूछने के लिए हॉस्पिटल रूम में अगर उस पेशेंट से वार्तालाप करने आता है और पेशेंट सडन कॉन्शियस स्टेट में आता है तो उसको डिलीरियम आएगा। और जब भी पुलिस ऑफिसर उसको क्वेश्चन पूछेंगे वो क्वेश्चन का आंसर सही देगा, लेकिन फिर तुरंत ही उसको अनकॉन्शियसनेस आ जाएगा। ऐसा इस तरह का डिलीरियम है आर्निका मोंटाना में। तो ऐसी शॉर्ट एंड स्वीट आर्निका मोंटाना है जो आप हर रोज़ किसी पेशेंट को दे सकते हैं, यानी फीवर में और इंजरी में। तो थैंक यू। और अगर आपने इस चैनल में को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नए आने वाली मेडिसिन आप जल्द से जल्द सुन सके और समझ सके, और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरा ये नॉलेज देने का तरीका अच्छा लगा तो एक लाइक दे दीजिएगा, और मेरा जो कोई सिम्टम इसमें छूट गया तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख दीजिएगा। थैंक यू।